नमस्कार दोस्तों, सैल ने इस बार जो वैकेंसी निकाली है ये डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाली है। लेकिन इस बार की जो इनका प्लांट है ये दुर्गापुर यानी कि डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट की इस बार की वैकेंसी है और इसकी जो यूनिट है पूरे देश भर में इसकी यूनिट फैली हुई है और अलग अलग यूनिट की अलग अलग बार ये वैकेंसी को रिलीज करती है। इस बार देखिए दुर्गापुर की वैकेंसी है, अभी रिसेंटली कुछ ही दिन हुए हैं है ना, 18 जनवरी तक उसका फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट था शायद, अभी एक वैकेंसी इन्होंने निकाला था। अभी फिर से देखिए इन्होंने वैकेंसी निकाला है दुर्गापुर स्टील प्लांट की है ना, ये नोटिफिकेशन देखिए 3 जनवरी का ही है ना, 3 जनवरी का ही नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के जरिए हम इस वैकेंसी का टोटल ब्यौरा देखेंगे, टोटल डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बस वीडियो को आप पूरे इत्मीनान के साथ देखिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आप चाहते हैं कि 2024 में आपको कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी मिल जाए, कहीं ना कहीं एक सरकारी जॉब लग जाए आपकी, तो आप इस वीडियो को पूरे इत्मीनान के साथ देखिएगा, पूरे विश्वास के साथ देखिएगा। मैं हर एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए ये जो वैकेंसी है पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये क्या है, एक पीएसयू है, एक महारत्न है ना, तो पूरी तरह से एक स्थायी रूप से गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब की ये नोटिफिकेशन है और स्टील पावर प्लांट की, स्टील प्लांट की नोटिफिकेशन है। देखिएगा ये जो स्टील प्लांट है इनका टर्नओवर देखिए 1,00,000 करोड़ एनुअल टर्नओवर है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आईटीआई वालों को इतना हीन भावनाओं से देखा जाता है, इतना तुच्छ कोर्स माना जाता है इस आईटीआई कोर्स को कि लोग इसको हीन भावनाओं से देखते हैं। तो आप खुद देखिए कि इतना बड़ा महारत्ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है उसमें भी आईटीआई वालों की कितना आवश्यकता है ना। तो देखिएगा ये पूरा वैकेंसी है, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डीएसपी यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट और एएसपी एलॉय स्टील प्लांट, इन दोनों में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, यानी कि दोनों में से किसी भी एक में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर बात यह है कि अगर ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई करते समय अपना कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने स्टेट में तो रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, रिजर्वेशन कोटा में आते हैं, लेकिन वहीं पर सेंटर में जाने के बाद हमारी रिजर्वेशन समाप्त हो जाती है। तो जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप सेंटर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा और सेंटर गवर्नमेंट में जिस कोटा में आप आएंगे उसी कोटा में आप वैकेंसी को फिल कीजिएगा, तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा देखने को मिलेगा, है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इसमें देखिए जो वैकेंसी है ये वैकेंसी डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए सभी के लिए है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे आईटीआई वालों के लिए, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। ये है पूरा आईटीआई वालों के लिए, हर बार इसमें भले ही अलग अलग यूनिट में वैकेंसी आती है लेकिन अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 के नाम से ही ये पोस्टिंग रखते हैं और इस बार की पोस्टिंग भी यही है ना। तो ये पोस्टिंग वाली बात तो फिक्स हो गई। अब वैकेंसी किस ट्रेड के लिए कितना है, तो 3 ट्रेड को अलाउ यहां पर किया गया है। सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिर है आपका फिटर ट्रेड, फिर है आपका मशीनिस्ट ट्रेड, है ना। तो फिटर के लिए इन्होंने 10 पोस्ट निकाला है, सॉरी इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पोस्ट है, फिटर के लिए 15 है और मशीनिस्ट के लिए 10 पोस्ट है ना। जब भी सेल की वैकेंसी आती है हर बार पोस्ट इनका इतना ही होता है और इनके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बताया कि ये अपने अलग अलग यूनिट की वैकेंसी अलग अलग टाइम पे करते हैं, शायद एक बार करते हैं, जैसे रेलवे हर जोन की वैकेंसी को इकट्ठा करता है और एक बार निकालता है उसको, है ना। तो उसी प्रकार से ये भी अगर करती तो शायद ये वैकेंसी है ना हजारों की संख्या में होती, बट कोई ना, जो वैकेंसी आई है उसी का डिटेल सुनिएगा आप, है ना। देखिए इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है इनके द्वारा कि मैट्रिकुलेशन विद फुल टाइम आईटीआई। मैट्रिकुलेशन का मतलब क्या है, 10th आपका पास होना चाहिए, है ना, 10th पास होना चाहिए प्लस आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, वो भी फुल टाइम, है ना, फुल टाइम आईटीआई इन द रिलेवेंट ट्रेड, जैसे कि जो हो गया आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट, इन ट्रेड से, इनमें से किसी भी एक ट्रेड से आईटीआई है तो आप एलिजिबल होंगे। ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि अगर आपने
एनसीवीटी से आईटीआई क्या है या फिर एससीवीटी से आईटीआई क्या है ना। यदि आपने प्राइवेट आईटीआई किया है या फिर आपने गवर्नमेंट आईटीआई किया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है ना। एनसीवीटी वाला भी करेगा, एससीवीटी वाला भी करेगा, और चाहे आपने प्राइवेट से आईटीआई किया है या फिर गवर्नमेंट से आईटीआई किया है ना। क्योंकि अगर गवर्नमेंट से आईटीआई किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और प्राइवेट से अगर आपने आईटीआई किया है तो इनका कहना है कि भाई गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, ऐसा आपका इंस्टीट्यूट हो जहाँ से आपने आईटीआई किया है। तो ये दोनों बातें मैंने आपको क्लियर कर दिया है ना। यहां से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन का ये जो डिटेल्स था ये आप तक पहुंच ही गया। इसके बाद मैं आपको बताऊं, यहां पर देखिएगा कि ये रही है ना कैटेगरी वाइज यहां पर डिटेल्स दिया गया है कि 10 पोस्ट जो इलेक्ट्रीशियन के लिए निकाला गया है तो किसके लिए कितना पोस्टिंग है। मैं इसको टेलीग्राम पर पहले से ही अपलोड कर दिया हूं, तो टेलीग्राम को जरूर देखा करिए, क्योंकि जो भी वैकेंसी आती है, कभी भी जो भी मैं वैकेंसी का डिटेल्स वीडियो देता हूं, तो वीडियो देने से पहले मैं आपको इसका जो पीडीएफ होता है वो टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो आप टेलीग्राम को चेक करते रहिएगा, ठीक है। और एज में रिलैक्सेशन किसको कितना मिलेगा, तो वही देखिए, अगर आप एसटीएससी हैं तो 5 ईयर के, ओबीसी हैं तो 3 साल का, है ना, पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आप 10 वर्ष का, जैसे कि 10 साल जनरल वालों के लिए और 15 साल एसटीएससी, और 13 साल के लिए किसको दिया गया है, यहाँ पर देखिए 13 साल तक दिया जाएगा ओबीसी वालों को, है ना। तो ये रहा इसका डिटेल्स। इसके बाद थोड़ा सा आप देखिए कि ये जो वैकेंसी है इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड भी देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, है ना, तो हाइट आपका कितना होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कम से कम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इतना होता ही है ना, जनरली इतना होता है। और अगर आप फीमेल हैं तो 143 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। अगर आप लेडीज हैं, लड़की हैं, फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 143 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और वहीं पर वजन आपका होना चाहिए 45 केजी, जनरली हर किसी का होता है 45 केजी तो होता ही है ना। और फिर 35 केजी अगर आप फीमेल हैं तो 35 केजी आपका होना चाहिए। ये इनका फिजिकल स्टैंडर्ड है, बड़ा सिंपल सा है ना, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। और यहाँ पर देखिए इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या होने वाला है, किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका तो एग्जाम होगा सीबीटी, है ना, ओएमआर सीट पर आप आजकल एग्जाम होती नहीं है। 1/4 का इसमें नेगेटिव मार्क भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1/4 का नेगेटिव मार्क है, सीबीटी एग्जाम होगा, और साथ में आपका स्किल टेस्ट भी होने वाला है। इसका रेशियो हो 1:3, यानी कि एक सीट के लिए 3 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। यह केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा स्किल टेस्ट। आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, है ना, इसी के अनुसार आपका जो लिस्ट बनेगा, है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, सीबीटी के अनुसार आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगा, है ना। तो ये इस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ये सिलेक्शन का मोड है, ये सिलेक्शन का इनका प्रक्रिया है, ठीक है ना। और जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो एक और विशेष ध्यान आपको रखना है कि आपको यहाँ पर प्रेफरेंस भरना होगा, है ना, कि आप, ये इनका एग्जाम सेंटर है, जैसे कि आप भुवनेश्वर में भी भर सकते हैं, हैदराबाद में भी भर सकते हैं, है ना, कोलकाता में भी भर सकते हैं, मुंबई में, नेवी मुंबई और थाने, इन तीनों में से किसी एक में आप फॉर्म अप्लाई करते समय इसको चूज करिएगा, एग्जाम सेंटर को, है ना, इन तीनों में से किसी एक ही जगह आपका एग्जाम होगा। फिर एग्जाम सेंटर है दिल्ली या फिर एनसीआर में, पटना में और रांची में, टोटल ये इनका एग्जाम सेंटर है। ये एग्जाम सेंटर पहले से ही आपको बता दे रहे हैं, तो इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आप जिस स्टेट से आते हैं या फिर ये जो सेंटर है ये आपके स्टेट से कितना करीब है, जो सबसे ज्यादा करीब होगा उसी में आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा फॉर्म भरते समय, है ना, तो आपको आसानी होगी आने जाने में एग्जाम को देने के लिए, ठीक। फिर इनका सेल का कहना है कि भाई हम आपको, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो स्टार्टिंग में हम आपको ट्रेनिंग बेस पर रखेंगे, है ना, प्रोविजनल ट्रेनिंग के बेस पर रखेंगे। अब प्रोविजनल ट्रेनिंग बेस पर ये रखते क्यों है, थोड़ा सा ये समझिए।
इनका ये मानना है, इनका अपना ये मानना है कि भाई कोई एक आईटी बंदा आता है, हम इसमें एक्सपीरियंस तो मांग नहीं रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उसको डायरेक्ट फील्ड में ना उतार करके हम उसको कुछ दिनों तक ट्रेनिंग दें, हम उसको सिखाएं कि मल्टीमीटर कैसे काम करती है, हम उसको पैनल्स की रीडिंग लेना सिखाएं, हम उसको पैनल्स के बारे में सिखाएं, है ना, हम उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बड़े बड़े लगे होते हैं उसके बारे में सिखाएं, स्टेबलाइजर के बारे में बताएं। तो टोटल जो ट्रेनिंग दिया जाता है ना, वही होती है आपकी प्रोविजनल ट्रेनिंग, क्योंकि आईटी में तो आपने टोटल प्रैक्टिकल किया नहीं होगा, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है, प्राइवेट कॉलेज में आईटी कर रखा है जिन्होंने, उनको तो और प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है ना, गवर्नमेंट वाले तो वैसे भी थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, कुछ तो सीख ही लेते हैं, तो ये सारा चीज होता है ट्रेनिंग के समय, यही सिखाया जाता है। बट आपको 2 साल का यहाँ पर ट्रेनिंग है, फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग के समय आपको 12,900 सैलरी देंगे, और सेकेंड ईयर जब आपका होगा यानी कि अगले साल 15,000 आपको सैलरी देंगे, है ना, फ्री में ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे। तो ट्रेनिंग के दरमियान भी आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी, है ना, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सिखाएंगे तो उस समय सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी भी आपको मिलने वाली है। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप अस्थायी रूप से हो जाएंगे, फिर उस समय देखिए आपका जो ग्रेड पे है, आपका जो सैलरी है ना, वो बढ़ा करके 25,070 रुपये कर दिया जाएगा, है ना, कितना है बेसिक 25,070 रुपये, ठीक है ना। और इतना सैलरी देखिए एक फ्यूचर क्रिएट करने के लिए काफ़ी होता है ना, वो भी आईटी करके। फिर आपका देखिए एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा 3%, हर वर्ष 3% बेसिक का बढ़ोतरी होगा आपकी सैलरी का। और जब आप एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं ना, तो फिर सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं कि किस प्रकार से सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, कितने सारे अलाउंसेस मिलते हैं, कितनी सारी सुविधाएँ मिलती हैं, बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं, है ना, बस आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, एक सरकारी जॉब चाहिए, ठीक है ना। फिर देखिए ये कह रहा है कि भाई ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पर ये रही अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, हम जो बच्चे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपये लेंगे फॉर्म अप्लाई करने का फीस, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी ईएसएम के लिए हम 100 रुपये फॉर्म अप्लाई करने का फीस लेंगे, है ना। तो फीस देखिए जो है एक लिमिटेड रेंज में ही है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं। अभी यूपी पीएसएल में देखिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं 1,000 रुपये दे करके, तो उसके कंपेयर में देखा जाए तो यहाँ पर फीस जो है वो तो बहुत ही कम है, है ना, बहुत ही कम है। तो फीस में देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि यह फॉर्म अप्लाई होना जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है 9 जनवरी से ही, और आपका 30 जनवरी 2024 तक आपका फॉर्म अप्लाई होता रहेगा, यानी कि अभी फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है ना वो लगभग 10 से 12 दिन बचा हुआ है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा ज़रूर। अब इसके बाद देखिए, अब आपके मन में आएगा कि सर इसका सिलेबस हमें मिल जाता, तो सिलेबस में देखिए जरूर दूंगा, है ना, इसका पूरा सिलेबस का डिटेल्स दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, नॉन टेक में क्या क्या पूछा जाएगा और टेक्निकल में क्या क्या पढ़ना है, है ना। टेक्निकल में वही, अगर आपने मशीनिस्ट से किया है तो मशीनिस्ट का थ्योरी पढ़िए, फिटर से आईटीआई किया है तो फिटर का थ्योरी पढ़िए, इलेक्ट्रीशियन से किया है तो इलेक्ट्रीशियन का थ्योरी तो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ उससे आप पढ़िए, है ना। तो यही रहा देखिए टोटल इस डीएसपी यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट का टोटल वैकेंसी का नोटिफिकेशन, है ना। इस नोटिफिकेशन को अदर स्टूडेंट्स तक भेजिए, दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, उनको भी बताइए कि भाई वैकेंसी आ चुकी है, और 2024 में वैसे भी वैकेंसी भर भर के आ रही है, हर जगह से वैकेंसी आ रही है, और रेलवे की तरफ से भी वैकेंसी आ चुकी है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा होगा, रेलवे की जो लोको पायलट वाली वैकेंसी का वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, है ना, और उस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा, है ना। जितने भी निमी टेक्निकल क्लासेस के साथ दिल से दिल तक जुड़े हैं इस चैनल के साथ, उन सभी का स्वागत है। कल सुबह 9 बजे फिर से मिलते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एक शानदार से चैप्टर के साथ, शानदार से क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।